सो हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू रिमूव कॉपीराइट क्लेम, यूट्यूब वीडियो का कॉपीराइट क्लेम कैसे हटाएं। दोस्तों बहुत से नए यूट्यूबर हैं जिनके यूट्यूब वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आता है, तो दोस्तों वो डर जाते हैं, स्पेशली नए यूट्यूबर। तो दोस्तों वो क्या करते हैं, जल्दीबाजी के कारण उस वीडियो को डिलीट करते हैं जिस पर कॉपीराइट क्लेम आया है। तो दोस्तों आपको वीडियो को डिलीट नहीं करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा कि कॉपीराइट क्लेम कैसे हटाएं। तो दोस्तों स्पेशली ये वीडियो नए यूट्यूबर के लिए है। दोस्तों बहुत से नए यूट्यूबर घबरा जाते हैं कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है। दोस्तों अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आया है तो आपके चैनल के लिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आया है तो आपके चैनल के लिए दिक्कत है। कॉपीराइट क्लेम वो देता है जिसका कंटेंट अपने वीडियो में यूज किया, कॉपीराइट स्ट्राइक यूट्यूब देता है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। दोस्तों मेरा नाम है कृष्णा, आप देख रहे हैं कृष्णा के टेक्नोलॉजी ज्ञान। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जरूर लाइक करना। तो दोस्तों चलिए बिना समय वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद सिंपली आपको आना है क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर में आने के बाद सिंपली आपको दिख रहा होगा यूट्यूब का लोगो, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद थ्री डॉट दिख रहा है ऊपर, उस ऊपर दिख रहा होगा थ्री डॉट, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट आप ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद दोस्तों आप जिस नेम से यूट्यूब चैनल बनाए हैं आप उसको लॉगिन कर लीजिएगा क्रोम ब्राउजर में। दोस्तों मेरा चैनल का लोगो दिख रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यूट्यूब चैनल दिख रहा है, सिंपली इस पर आएंगे। इस पर आने के बाद मेरा चैनल ओपन हो चुका है, आपको दिख रहा होगा कस्टमाइज चैनल एंड मैनेज वीडियो, आपको क्लिक करना है कस्टमाइज चैनल पर। कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप वेट कीजिए, नेट स्लो है उसके, सॉरी दोस्तों। दोस्तों आपको दिख रहा होगा यूट्यूब का आइकन, दे सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, मतलब वीडियो का आइकन सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी दोस्तों। सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं विजिबिलिटी रेस्ट्रिक्शन, मेरे इस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद सी डिटेल पर जाएंगे। सी डिटेल में आने के बाद सिंपली आप देख सकते हैं नीचे यहाँ इस वाले वीडियो पर मेरा कॉपीराइट क्लेम आया है, मतलब यूट्यूब कह रहा है 001 and 210 मिनट तक, मतलब यहाँ से 1 सेकंड से लेकर 210 मिनट तक मेरे इस वीडियो का कॉपीराइट क्लेम है। दोस्तों स्पेशली कॉपीराइट क्लेम किस पे आता है, स्पेशली कॉपीराइट क्लेम आता है लाइक दोस्तों म्यूजिक पे आता है, अधिकतर म्यूजिक पे कॉपीराइट क्लेम आता है। कॉपीराइट क्लेम कौन देता है, जिस बंदे का आप कंटेंट यूज किया अपने वीडियो में वो कॉपीराइट क्लेम देता है, मतलब वो ऑनर देता है जिसका मतलब म्यूजिक रहता है। तो दोस्तों आपको कॉपीराइट क्लेम कैसे हटाना है, दोस्तों वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। ऊपर आएंगे, ऊपर लिखा है दोस्तों द कॉन्टेंट आइडेंटिफाइड इन योर वीडियो इज लिस्टेड बिलो अलॉन्ग विद द डिटेल्स इन एंड एक्शन, मतलब ऊपर दोस्तों सॉरी दोस्तों ऊपर लिखा है द कॉन्टेंट आईडी क्लेम ऑन योर वीडियो डज नॉट अफेक्ट योर चैनल, दिस इज नॉट अ कॉपीराइट स्ट्राइक, मतलब यूट्यूब कह रहा है आपके चैनल के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, कॉपीराइट क्लेम आया है। दोस्तों अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा तो आपके लिए चैनल की दिक्कत है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्पेशली साफ साफ बोल दिया कि कॉपीराइट क्लेम आने पर आपका चैनल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों नीचे आएंगे, नीचे आने बाद कौन सा बंदा आपके कॉपीराइट क्लेम दिया है, कौन से बंदे ने आपके चैनल पे आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम दिया है, तो आप देख सकते हैं कॉपीराइट ऑनर्स एड्रेव पब्लिशिंग, मतलब एड्रेव कंपनी ने आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम दिया है आपके यूट्यूब वीडियो पर। दोस्तों अब इसको कैसे रिमूव करना है कॉपीराइट क्लेम को, तो सिंपली दो तरीका है, सिलेक्ट एक्शन पे जाएंगे। सिलेक्ट एक्शन में आने के बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा अगर आपको कॉपीराइट क्लेम हटाना है तो सिंपली आपको म्यूट सॉन्ग दिख रहा है, इस पर म्यूट कर देंगे तो आपका बैकग्राउंड म्यूजिक, आप कोई भी म्यूजिक यूज किए हैं तो आपका वो बैकग्राउंड म्यूजिक रिमूव हो जाएगा, मतलब म्यूट हो जाएगा, आवाज़ उसका बंद हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर दो एक पहला तरीका यह था तो दोस्तों रिप्लेस सॉन्ग में आने के बाद इतने सारे सॉन्ग्स दिख रहे हैं, दोस्तों नेट स्लो है, दोस्तों इतने सारे सॉन्ग दिख रहे हैं आपको रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब ये सब अपने बैकग्राउंड म्यूजिक में यूज करना है तो कर लीजिएगा, अगर नहीं यूज करना है तो दोस्तों कोई बात नहीं। अगर दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगर आप ऐड करके सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पब्लिश करेंगे तो आपका ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड हो जाएगा। दोस्तों आपका कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा, अधिकतर कॉपीराइट क्लेम 24 आवर्स के अंदर ही कॉपीराइट क्लेम हट जाता है। दोस्तों ये सेकंड तरीका था, और दोस्तों थर्ड तरीका ये है, डिस्कार्ड चेंज पर क्लिक करेंगे, मुझे अभी चेंज नहीं करना है बस बता रहा हूँ। दोस्तों सेकंड तरीका ये है कि आपको क्या करना है, बैक आएंगे, दोस्तों जो भी कॉपीराइट क्लेम आता है दोस्तों आपके चैनल के कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कॉपीराइट क्लेम जो भी आपके वीडियो पर ऐड चलेंगे उसका जो भी क्रेडिट होगा, जो भी अर्निंग होगा उस वीडियो ऑनर के पास चला जाएगा, कॉपीराइट क्लेम का मतलब ये होता है।
अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो आपके चैनल के लिए दिक्कत होता है दोस्तों। वो भी अगर आपके चैनल पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा तो आपके चैनल के लिए दिक्कत होगा, आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप शुक्र मनाइए कि आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, कॉपीराइट क्लेम आएगा तो आपके चैनल के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। कट करेंगे, कट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद फीडबैक दिख रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन में जो भी आपका प्रॉब्लम है आप ईमेल कर सकते हैं यूट्यूब के पास। अगर आपको गलती से भी कॉपीराइट क्लेम आ गया है तो दोस्तों आप इसमें जो भी आपका प्रॉब्लम है आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा। अगर इंग्लिश में नहीं लिखना आता है तो दोस्तों मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ इंस्टाग्राम आईडी का, आप मुझे मैसेज कीजिए उस पर कि आपको लिखना नहीं आता इंग्लिश में, तो दोस्तों मैं आपको लिख कर दे दूँगा, प्रोवाइड करा दूँगा। तो दोस्तों आप इस पर जो भी लिख कर सेंड फीडबैक पर क्लिक करेंगे, सेंड पर इस बार सेंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इंक्लूड स्क्रीनशॉट, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हो जिस भी ऑप्शन का, जिस भी पॉइंट को आप सेंड करना चाहते हैं यूट्यूब के पास दोस्तों। तीसरा तरीका ये था दोस्तों, अगर ये वाला तरीका अपनाओगे तीसरा तरीका तो दोस्तों 100% आपका कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। तो दोस्तों ये 3 तरीके थे कॉपीराइट क्लेम रिमूव करने के लिए दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ दोस्तों। कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कैसे कॉपीराइट क्लेम हटता है दोस्तों। बहुत से यूट्यूबर बताते हैं कि ये कोई भी ऑप्शन बता देते हैं कि ये वाला कॉपीराइट हट जाएगा, ये मतलब कोई भी तरीका बता देते हैं कि आप कोई भी ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करने के बाद यूट्यूब के ऑप्शन में जाओ, यूट्यूब के स्टूडियो में जाओ दोस्तों, इधर उधर कोई भी जाओ दोस्तों, कोई भी तरीका नहीं है कॉपीराइट क्लेम हटाने का, बस यही 3 तरीका है कॉपीराइट क्लेम हटाने का। तो दोस्तों अगर आपके मन में जो भी सवाल हो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, और फर्दर वीडियो कौन सा चाहते हैं आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी जरूर फॉलो कीजिएगा। मैं इसी तरह कंटेंट एंड टिप्स अपने चैनल पे अपने इंस्टाग्राम आईडी पर स्टोरी पर लगाता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।